तो नमस्कार जी सब दोस्तों को, आज एक और वीडियो के साथ आप सबको वेलकम बैक करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो किसी भी तरह से कबूतरों का शौक या किसी भी तरह से कोई कबूतरों को लॉफ्ट वगैरह को लेके नहीं है। बस कुछ वीडियोस जो होती हैं वो कभी कभार किसी ना किसी के काम आ जाती हैं, जो कि हमारा मेन मोटिव रहता है। और ऐसा ही एक आज का केस है। तो क्या केस है और क्या है इस वीडियो के अंदर, पहले थोड़ा डॉक्टर साहब से जानेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्ते भैया। आज की वीडियो एक बड़ी अच्छी भी है, अजीब भी है और बड़ी सोचने वाली भी है। तो दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इंसानों से ज़्यादा, जो इंसान तो आजकल इंसान का दुश्मन ही बन रहा है, लेकिन वो जानवरों से इतना प्यार करते हैं कि लाखों में ऐसे लोग होते हैं मेरी नज़र में। तो लाखों में कोई ऐसा एक इंसान होता है जो इतना मोहब्बत करता है जानवरों से। और आज हमारे गेस्ट आए हैं जी चेन्नई से, और राजकुमार जी यहाँ पर देखिए। हेलो सर। हेलो, ये चेन्नई से आए हैं और ये अपनी श्रेया। हेलो। और जो इनकी मदर हैं श्रद्धा राजकुमार, वो काफ़ी देर से भी कॉन्टेक्ट में है मेरे। तो रेफरेंस वगैरह का इलाज करती है, जो गर्मी होती है, तो मैंने एक कुछ चीज़ें बताई हैं जिससे कि वो खुश हैं। ये इसको रसोली हुई है, ये देखिए इसका साइज कितना बढ़ गया हुआ। तो ये काफ़ी देर से दे रहे हैं, अभी इसका ऑपरेशन भी करेंगे जी, तो सारा इसकी रसोली जो है बाहर निकाली जाएगी। काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा साइज है। तो ये 8 साल से इनकी एक बर्ड है जो रखा हुआ है इन्होंने। अभी देखते हैं जी, ऑपरेशन करते हैं इसको, ऑपरेट करते हैं इसको। तो ये काफ़ी देर से, तो मैंने पहले दवाई दी हुई थी इनको, काफ़ी देर से इन्होंने मेहनत की है इस पर, तो रिजल्ट भी आया सामने, पक गया हुआ है, 70% तो पका हुआ है जी। खुशी यही है कि ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो और इनका जानवर जो है मोहब्बत में जानवर बचे और आगे भी इनके साथ टाइम जो काट सकता है वो दे इनको। तो इसी से आप साथ में इनसे बात कीजिए, जो इतनी दूर से हमारे मेहमान आए हैं चेन्नई से स्पेशल। इस पर कोई हमारा कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये सिंपली एक इंसानियत के तौर पे ये आए हैं, हमारे पास आए हैं और हमने इनको वेलकम किया। हेलो सर। सर, इतनी दूर से चेन्नई से आप जम्मू तक आ गए, तो जैसा कि भैया ने कहा कि कोई मतलब कि इंसान इंसान के लिए नहीं जाता, तो आप तो अभी दो हैं, लेकिन जैसा मेरे को पता है अभी आप फुल फैमिली का प्लान था आपका आने का, कुछ पर्सनल रीजन के कारण आप यहाँ नहीं आ पाए जो हमारे श्रद्धा जी हैं, तो आप ही थोड़ा सा बताएं कितने टाइम से ये बर्ड है, कैसे मिला आपको और क्या पूरा क्या प्रोसेस रहा? तो मेरा हिंदी इतना फ्लुएंसी नहीं है, तो हम इंग्लिश में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, माय आई एम कमिंग फ्रॉम चेन्नई। वी हैड दिस बर्ड फ्रॉम अ स्मॉल बेबी। माय वाइफ एंड माय डॉटर वेंट आउट टू गेट सम मेडिसिन एंड दे फाउंड दिस स्मॉल बेबी। शी वाज अ स्मॉल बेबी एंड शी वाज रनिंग ऑन द स्ट्रीट एक्चुअली, एंड दे सॉ द बर्ड, दे सॉ दिस पिजन, वी कॉल अर छोटी, Choti was running, and so they went and immediately picked her up and brought her to the flat where we staying in Chennai. And they have, we have been with the bird has been with us, Choti has been with us for the last 9 years. From 2012 May, she has been with us, and every May, I think 27th, we picked her up. So every year on May 27th, we celebrate her birthday also, and we are very much attached to her. So last year in July or August, because she's a female, she gives eggs. So we found out that that part was a little bit hard. So we took her to Chennai. As you know that in Chennai, there is a very big veterinary hospital called Madras Veterinary. Yes. But there, the doctors are not very comfortable handling birds. Basically, they might have knowledge, but practical cheese un logo ko nahi hai.
they have knowledge with dogs and cats, but with pigeons they are not very comfortable. So when we took her there, they said, oh, go take x-ray. We went and took x-ray. They said, oh, it's just the egg that is not fully developed, whatever, you just give this small simple tablets there. So we gave that, was of no help. It began to grow big. Then we were very worried. We took her to another famous hospital in Chennai, India. They also said they can't help. They took an x-ray and they took a scan. And then they said, I think it is mostly like a tumor. So I'm sorry, I don't think we can do anything. They basically told us that the bird might die. So you make the bird comfortable. It's like telling the person as a human as a cancer. So in the last stages, make them comfortable till they die by themselves. Yeah. Sorry. But my wife didn't want to give up. So she searched in Google. And then Dr. Ashish ka ek pehle video aaya tha last year. And in that video, there was an operation he did on a pigeon. So my wife saw that and said, she contacted Kunal because his number was there. And she said, and she told me, oh, Dad, there is Dr. Ashish in Jammu. I got the number. We should contact him and find out if anything can be done. So I called up Kunal and Kunal gave Dr. Ashish's number. And then we found out that he is a very big international pigeon breeder and he has very good knowledge of pigeon and practical knowledge. Not book, just book knowledge, because sometimes in this area, book knowledge alone is not enough. You can study, but if you don't have practical experience, it does not work actually. So, and when we talked to him, he was very nice and very good, and he was very helpful basically. Anytime we call up and talk, he was there to pick up and answer all the questions. So he said, don't worry, madam, I will. To my wife Shraddha, he said, because she talked to him, and then he said, I will send a medicine, give that medicine regularly. He gave us so many instructions, and he said, change the diet, give this, give, don't give that, because we are not knowing that. In Chennai, nobody was there to help us to tell, you can give this, you shouldn't give that. But no, Dr. Ashish was the one who guided her every step, and he sent the medicine himself. Out of his goodwill and good heart, and he sent the medicine to Chennai, and then we started giving. And after like almost from October, now we are in August, so we decided as a family, okay, that got dried up. So then Dr. Ashish said, okay, if you are willing to come, you come. So she's part of a family, so it is not about the money, but it is of our love for her. Though she, what you say, is not a special breed, but for us she is special. So we treat her as a part of a family. So we have come from Chennai. We were in train like 2 days from Monday morning till yesterday morning. We came to Chandigarh, and then we came from Chandigarh by cab to Jammu. And then we came and met Dr. Ashish yesterday. And after we met him, he looked at her and he said, okay, today that we will do it. So we came today, and today Dr. Ashish looked at her and he said, okay, let's do it for her. तो ये थी स्टोरी इनके छोटी की. तो ये मैं एक चीज बता दूं, ये किसी भी तरह से मूम या मिठू या किसी तरह से ऐसी कोई बात नहीं है. बात ऐसी है कि हम जो भी काम करते हैं, ये वीडियो जिसकी बात हो रही है वो थी द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर, जिसके अंदर हमने ट्यूमर का ट्रीटमेंट किया था, जिसको रसोली भी कहा जाता है हिंदी में. तो बस यही कोशिश होती है कि अगर किसी को किसी तरह से हम हेल्प कर सकें तो हम उनके काम आए, और आज इसीलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं. तो अब कोशिश करते हैं कि बर्ड को जो है हम ट्रीट करें. आशीष गुप्ता जी, तो मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि आप दोनों में से कोई भी एक जो है, आपने जैसे अपना प्यार बताया बर्ड को लेकर, कोई एक मैसेज जो आप सोसाइटी को देना चाहें कि जैसे अब कई सारे लोग हैं जो कि अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं जानवरों को, किसी भी तरह से डॉग्स हो कैट्स हो, तो कोई एक मैसेज आप ही दे दें कि जिससे मतलब कि सोसाइटी में थोड़ा बहुत कोई ना कोई उससे मोटिवेट हो और वैसा कुछ करने की कोशिश करे. And there I've helped with dogs and mostly dogs, lots of birds and some cats.
and volunteering there, I've seen people who have this idea of having a high status in society. So they'll go and they buy pedigree animals or pedigree birds or cats, but when they can't take care of it, they just leave it, they just dump it in front of the shelter. So to those people, I'll say, if you only care about your status in society, please don't buy an animal, don't keep an animal if you can't take care of it properly, because after a time, when you keep any animal, any bird at your home, it becomes your family. Eventually, it becomes your family. So you wouldn't do that to an actual human family member. So you shouldn't also just dump an animal or a bird. And we live in an environment where you're also dependent on birds and animals. So you should take care of your birds and animals. It might be small, like me keeping some food out for the sparrows or feeding the dogs. Anyone can help, just like doing small bits of mercy. Yes, I just want to add to that, they can even keep water during the summer time for pigeons or dogs in your human society. We live in a society where we keep just small glass of water for birds to come and drink. Crow can come and drink, pigeons can come and drink, minor birds can come and drink. It is not harmful for you, it doesn't cost you anything. Yeah. And also, as my daughter said, you might be in a high society, Corona is not going to affect your pets. It might even affect the humans, but it will not affect the pets. So don't have this wrong opinion, oh, my pet will catch corona. So many people in Chennai, we came to know, were dumping all the dogs and cats. The dogs and cats cannot talk. The pigeon also cannot talk, but they also have feelings. They also get attached to you. If you move with them, you will understand. Initially, I was not a pigeon or a cat bird lover. I didn't know. My family in Chennai had dogs. My uncles and all used to have parrots. But when I grew up, they were not there, because that time it became more cosmopolitan. We didn't have much space to keep pets and all that. But when I started, my wife and my daughter, when we brought her, I could see that even though she'll be with my wife and my daughter, there will be some affection. She'll suddenly come and sit on my lap. She will not do anything, but she'll come and sit on my lap. So I realized that they also have emotion and they also have feelings. So treat them well and don't just use them and throw them when they are sick. If you are sick, somebody is there to take care of you. When they are sick, don't just come and dump them on the road. Don't just tie them on the road. Talk to somebody and say, see, I can't take. Is there any medicine? Now you are seeing this channel. Dr. Ashish is there. The number is there. Call him and ask Dr. Ashish. He is there to help. He's not there for money. If it is for money, he can make money like anything. But his heart is not there for money. He's doing this sort of service of his own heart, good heart. And he believes that God has kept him to do that as a service. So God will bless him. So ask him, call him and ask him. He can give you advice in anything, be it dog, be it a bird. Because he's an expert in birds, he will give you advice. But that does not mean he doesn't know about dog. He can give you simple advice. Call him and ask him. It's not going to cost you anything. So please, we beg you that you don't throw them on the road. That is our request, humble request to you. And please don't think of them as money that you are investing on them. So I'm paying 5,000 for this dog, so I must get something out of it. That's not the way we have to treat human. We don't treat human beings like that. If you have a child, you invest on the child, it does not mean the child grows big and give you money back. That's the same way you should have the heart for your pet also. What the bird cannot express, she doesn't know what we are doing for her, but she understands from her difficulty, from her circumstances, what she's been through. When we are doing something, she knows we are doing it for the bird's goodness. So she will also respond with softness. And they also have emotions. They can show anger, they can show irritation, they can show love. It's just like us. So it's only thing they cannot express. God has given us the ability to express, but not for them. So our humble request, that is what is our humble request. Treat them like your family. So it was a very beautiful message from Mr. Rajkumarji. So before we begin with the treatment, let us pray to God for the bird safety and a good life ahead. So let's pray and we will meet you back after the prayer. Okay. एक बार आप इसको कंप्लीशन करने की वीडियो नहीं हमने इसलिए बनाई कि कोई प्रॉब्लम ना हो यूट्यूब में. ये सारी गंदगी है जो इसके अंदर थी,
तो सारा मटेरियल जो है इसके अंदर से निकला। और कोशिश करें आप इसको आप मास्क डाल के करें, क्योंकि ये खराबी वाला ये अभी ऑपरेशन हो गया, ये मास्क इसका ढीला हुआ बस, ये स्टिचेस वगैरह इसको लगा दिए हम। भाई पूरा निकल गया या फिर इसमें अभी पूरा नहीं, पूरा सारा निकल गया, पूरा जो है पूरा घर बार निकला। और ये अपनी पोजीशन पे है बिल्कुल ठीक, इसको रिलैक्स हो गई है उल्टी है, और अभी खुशी में अपने पर भी जाहिर कर रही है खोल के कि मुझे हल्का महसूस हो रहा है। इसकी बॉडी में इतना ये सारी गंदगी जो थी इसकी बॉडी के अंदर, स्मेल भी इतनी है कि बता नहीं, बहुत ज़्यादा थी। तो मैं तो सामने जाके कर रहा था, खैर यही मैसेज है कि अगर किसी की जान बच सकती है अगर अच्छे से, तो ये अगर इतना अगर गंदगी इंसान के अंदर हो तो इंसान भी मेरे ख्याल में ना बचे, तो मेरी उम्मीद यही है। बाकी इसको एंटीबायोटिक भी अभी रखेंगे थोड़ी देर, मेडिकेशन वो तो रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनली अभी भी इसको जो कुछ वेट्स वगैरह थोड़ी सी है इसमें प्रॉब्लम अंदर का जो देखा मैंने। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आगे थोड़ी सर्वाइव कर जाए, क्योंकि इनके बच्चों की तरह ही जैसे ये इनकी बेटी है, ये भी इनके बच्चों की तरह ही है, तो इसको इतनी ब्रांड ही मानते हैं। अच्छा था उससे बुरा था उसे, लेकिन ये एक मटेरियल मिला जो इसके अंदर से, ये होता है जी ग्लास में का प्लेट, डेंटल में हमारे हमें यूज़ होता है, लेकिन ये आम तो आपको मिलेगा नहीं, तो कट लगाने की खैर इसको ज़रूरत नहीं पड़ी। अपने हल्के तरीके से मैंने निकाल दिया धीरे धीरे करके, गंदगी बहुत ज़्यादा थी अंदर मटीरियल सारा अंदर बॉडी के अंदर तक घुसा हुआ था, और मुझे भी इसकी आज स्मेल इतनी ज़्यादा जड़ी है कि क्या करें। आप कोशिश करें, जब आप कोशिश आपकी कभी कहती है ना, हो सकता है किसी चीज़ में हमारा कोई नुकसान हो भी जाए, लेकिन आगे का जो नुकसान है वो कभी नहीं होगा। डरे मत, कुछ ना कुछ करने की सोचें। जब डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया, इन्होंने एक मैसेज में कहा कि डॉक्टरों ने इनको पूरी तरह से जवाब दे दिया था कि ये डेथ हो जाएगी इसकी, जब वो अगर वही डॉक्टर अगर इसका थोड़ा सा कोशिश करते हैं तो ये वो भी ठीक कर सकते थे, कोई ऐसी बात तो नहीं। मैं तो कोई खुदा नहीं हूँ, हमारी ट्रेनिंग ये है कि हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि हमारी भी इनमें जान बचती है, तो हम कोशिश करते हैं हर कुत्ते को बचाने, हर जानवर को बचाने। तो ये तो कैट्स को भी बचा रहे हैं, कुत्तों को भी बचा रहे हैं, कौवे को भी बचा रहे हैं। इन्होंने रिसेंटली एक कौवा लेके रखा हुआ जो रुझड़ था, और ले गए फिर ये बात छोड़ देती है उसको। और थोड़ी देर पहले एक इनके पास जंगली बर्ड आया था, इसका इन्होंने इलाज किया है, तो उसकी टांगे वगैरह बैठ गई थी, खैर वो कुछ ही दिन में ठीक हो गया बल्कि, अब उन्होंने छोड़ दिया उसको। लेकिन वो जानवर जो छोड़ती हैं कि मम्मा बता रही थी कि वो आज भी उनके पास आती है, वो तो हमें भी पता है कि जानवर जो है वो बहुत समझदार है, इंसानों से भी ज़्यादा समझदार और ज़्यादा वफादार है, वफादार। कौवा भी इनके पास, कौवे भी आते हैं कई इनके घर में, तोते भी आते हैं जिनको फीड करती हैं, वो इंसानों को पहचानते हैं कि ये इंसान है। क्यों? वो पॉजिटिविटी को पहचानती है, नेगेटिविटी को नहीं पहचानते। वो इंसान अगर उनके पास नेगेटिव आएगा तो वो उड़ जाएंगे वहाँ से, और इनमें पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव इंसानों के पास ये पास आ गए, जंगली जानवर भी दाना खा लेती हैं। तो ये सारा नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का मेरा एक ही मैसेज है, अपनी नेगेटिविटी को जितना ख़त्म कर सकते हो उतना ख़त्म करें, कोशिश करें। नेगेटिविटी दो ही हमारे अंदर चीज़ें होती हैं, ना धर्म होता है कोई, ये बात की चीज़ है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। इंसानियत में एक ही चीज़ आती है, पॉजिटिविटी, 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 पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी नाम की उसमें कोई चीज़ नहीं है। अगर आप में कोई नेगेटिविटी है तो उसको पॉजिटिविटी में चेंज करने की कोशिश करें, अपने आप को चेंज करें। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे आप एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। अच्छा इंसान नहीं बनोगे तो समाज में आपका गलत मैसेज आएगा, तो कोशिश करें अच्छे से अच्छे मैसेज दें। और इसी के साथ कि मैं हाथ जोड़ के इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आए हैं इतनी दूर से, ये हमारे मेहमान है, ये बची है हमारी, तो आ गई है पढ़ाई लिखाई करें। और मेरा कोशिश है यही कहने की कि ये भी मेडिकल में जाए, क्योंकि जो ये मेडिकल में इस तरह के अगर इंसान अगर जाएंगे तो आगे जाके अच्छे काम कर सकते हैं। क्योंकि आजकल डोनेशन फीस ही आप देख लें, डॉक्टर भी मजबूर है, करोड़ करोड़ डेढ़ करोड़ रुपया डोनेशन फीस जाती हैं आजकल। तो हमारा देश आज भी जो है बड़ा पिछड़ा हुआ है, इसीलिए क्योंकि जो इसके हुक्मरान है वो गलत है। तो मेरा यही मैसेज है, समाज में अच्छी से अच्छी चीज़ आप करें, और अगर आप में पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी को और बढ़ाएं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल आपका भी, आज आपने भी बहुत टाइम दिया, कल भी आप आए थे और आज भी आप आए हो अपने सारे काम काज छोड़ के। ठीक है जी, नमस्कार आदाब, सत
सब भाई